गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे इन योर कोर्स बुक विच नेम इज़ फोकस चैप्टर 3 नेम द रैम्बो बटरफ्लाई। जो आपका चैप्टर है रैम्बो बटरफ्लाई, We already complete the half chapter. हमने हाफ चैप्टर कम्प्लीट किया था हमारी लास्ट क्लास में। बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रीफ ऑफ चैप्टर। ओके, इसके आगे का रीड करने से पहले हम इसका एक शॉर्ट ब्रीफ ले लेते हैं। सो हमारा चैप्टर नेम है द रैम्बो बटरफ्लाई। रैम्बो एज यू नो द कलरफुल, जो रैन के बाद दिखाई देता है हमें, है ना। बटरफ्लाई भी आप जानते ही हैं। सो ये चैप्टर उसी के बारे में था। मैंने वर्ड्स टू नो भी आपको बताए थे, कल की लाइव क्लास में भी मैंने ये सब समझाया है। कैटरपिलर जो बटरफ्लाइज होती हैं, बटरफ्लाई जब वो बनती है, उससे पहले, बटरफ्लाई बनने से पहले वो एक कैटरपिलर होती है। कैटरपिलर जो होती हैं वो एक इंसेक्ट की तरह होता है जो कि लीव्स को ईट करता है, और उसको ईट करने के बाद, इनफ ईटिंग के बाद, वो एक फॉर अ लॉन्ग टाइम स्लेप्ट लेता है। स्लीप लेने के बाद जब वो उठता है, अपने शेल से बाहर निकलता है, तो वो एक कंप्लीट बटरफ्लाई बन के निकलता है। सो दैट्स कॉल्ड कैटरपिलर। नेक्स्ट इज लेमन। लेमन मैंने बताया था नींबू। क्रैवल्ड मीन्स धीमे से, थॉट सोचना, काउंटेड गिनना, टूवर्ड की ओर। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज थैंक्ड, मीन्स थैंकफुल होना या धन्यवाद करना। सो ये वर्ड्स मीनिंग थे जो मैंने आपको उस दिन क्लास में भी समझाए थे, और कल की लाइव क्लास में भी मैंने आपको समझाए थे। सो ये जो स्टोरी थी अबाउट थ्री बटरफ्लाइज, तीन बटरफ्लाइज की स्टोरी है, जो पहले क्या होती हैं, कैटरपिलर्स होती हैं, और बाद में एक बटरफ्लाई बनती है। तो उन तीन बटरफ्लाइज के नेम थे पिली, टिली एंड मिली। उन तीनों के नाम यही थे। ओके, तो स्टार्टिंग में वो क्या थी, कैटरपिलर्स थी। दे लिव्ड इन अ जंगल, दे लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। वो लोग कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे। वन डे देवर दे एट अ लॉट्स ऑफ लीव, एक दिन उन्होंने बहुत सारी लीव्स खा ली थी। देन दे वॉन्टेड टू स्लीप, उसके बाद उन सबने सोना चाहा। दे लुक्ड फॉर अ ट्री टू स्लीप ऑन, उन्होंने अपने अपनी पसंद की ट्री की तलाश की। दे लुक्ड फॉर अ ट्री, वो सोने के लिए ट्री को ढूंढ रही थी। पिली सेड आई लाइक लेमन, पिली ने कहा मुझे लेमन बहुत पसंद है। शी स्टॉप टू स्लीप ऑन अ लेमन ट्री, उसके बाद उन्होंने लेमन ट्री पे जाकर सो गई। टिली सेड, टिली ने कहा आई लाइक रेड एप्पल्स, टिली फिर कहती है मुझे रेड एप्पल्स बहुत पसंद है, और वो ये कहकर एप्पल ट्री पे जाकर सो गई। लास्ट में मिली जो थी, मिली क्रैव्ड फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, वो कन्फ्यूज हो रही थी, इसलिए वो बार बार ट्रीज को चेंज कर रही थी। एंड एट लास्ट उसको कोकोनट ट्री दिखा, और वो उस पर जाकर सो गई। अब फॉर अ टाइम सोने के बाद, कैटरपिलर्स जब उठी तो क्या होता है देखिए, उसके बाद हुआ कि वो तीनों सोई बहुत सारे दिनों के लिए। पिली, टिली, मिली स्लेप्ट फॉर अ मैनी डेज, वो बहुत सारे दिनों के लिए, बहुत दिनों के लिए सोती रहीं। पिली वेकअप, सबसे पहले कौन उठी, पिली। पिली ने उठ के देखा कि उसके विंग्स कैसे हैं, येलो, तो वो कैसे बन गई थी, एक येलो बटरफ्लाई बन गई थी। देन टिली वेक अप, टिली उठी और वो खुशी से उछलने लगी, क्योंकि उसने देखा कि उसके जो विंग्स थे वो कैसे थे, रेड थे, और वो एक रेड बटरफ्लाई बन गई थी। एंड एट लास्ट मिली वेक अप, जब मिली उठी तो उसने अपने विंग्स देखे, तो उसके विंग्स कैसे थे, वाइट, और ये देख के वो थोड़ी सैड हो गई, बिकॉज उसको भी कलरफुल विंग्स चाहिए थे बाकी बटरफ्लाइज की तरह। पहले वो कैटरपिलर्स थी, अब वो बटरफ्लाइज बन गई, तो उनके विंग्स हो गए, विंग्स सबके अलग अलग कलर के थे। पिली के विंग्स थे येलो, टिली के विंग्स थे रेड, और मिली के विंग्स थे वाइट। तो मिली इस बात से बहुत परेशान हुई और सोचने लगी कि वेयर फ्रॉम आई फाउंड कलर फॉर माई विंग्स, के मुझे अपने विंग्स के लिए कलर कहाँ से मिलेंगे। यहाँ तक हमने रीड कर लिया था, और मैंने थोड़ा सा और अभी समझा दिया है इस चैप्टर को। नाउ नेक्स्ट एट पेज नंबर 17 स्टूडेंट्स, देखिए ये री बटरफ्लाई, और ये कौन है, मिली, और दिस इज आर रैम्बो। ये हमारा रैम्बो है, जो कि कब दिखाई देता है, जब रेन होती है ना,
रेन के बाद जब रेन के जस्ट बाद जब हल्की सी धूप निकलने लगती है तो क्या होता है, रेनबो दिखाई देता है। ओके, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अ ड्रॉप ऑफ रेन फेल ऑन हर हेड। किसके हेड पर? हेड क्या होता है स्टूडेंट? सर। और हर, तो किसकी बात हो रही है? मिली की। तो क्या होता है कि बारिश की एक बूंद मिली के सर पर गिरती है। ओके, शी लुक्ड अप एंड सा अ रेनबो। उसने इन द स्काई, उसने अपना सर उठाया, जैसे ही उसके सिर पे पानी की बूंद गिरी उसने ऊपर देखा और उसे क्या दिखाई दिया? एक रेनबो दिखाई दिया। देन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए, शी काउंटेड 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। उसने 7 तक काउंट किया। क्या काउंट किया? देयर वर 7 कलर्स इन द रेनबो। रेनबो में कितने कलर्स थे? 7 कलर्स थे। मिली फ्लू टूवर्ड्स द रेनबो। फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लू। तो मिली उस रेनबो की तरफ उड़ती हुई गई, क्योंकि वो बटरफ्लाई बन गई थी, उसके पास विंग्स थे इसलिए वो उड़ कर गई। शी सेट ऑन द रेनबो। उसके बाद मिली ने क्या करा, वो रेनबो पे जाके बैठ गई एंड थॉट, और सोचा विच कलर शुड आई टेक। उसे लगा कि इस रेनबो में इतने सारे कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं, उसने काउंट किए थे ना कलर्स को, तो उसे लगा कि इसमें से मैं कौन सा कलर लूँ अपने विंग्स के लिए। वो सोचने लगी, ईच कलर इज सो ब्यूटिफुल। उसको सारे ही कलर बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद मिली ने गाना शुरू किया। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। उसके बाद मिली जब कन्फ्यूज होने लगी तो उसने गाना स्टार्ट कर दिया। हेलो डियर रेनबो, कलर मी न्यू, कलर मी वॉलेंट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड टू, माई डियर रेनबो आई लव यू। तो वो कहती है सॉन्ग के अंदर, हेलो डियर रेनबो कलर मी न्यू, कि वो रेनबो से रिक्वेस्ट करती है हेलो कहने के बाद कि तुम मुझे कलर कर दो, कलर मी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड टू। तो वो कहती है कि मुझे तो सारे ही कलर दे दो तुम, इंडिगो, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ये सारे कलर्स तुम मुझे दे दो, ये कहती है। और कहती है माय डियर रेनबो, मेरे प्यारे रेनबो आई लव यू। और वो उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वो बताती है कि तुम प्लीज़ मुझे अपने सारे कलर्स दे दो और मुझे एक कलरफुल बटरफ्लाई बना दो। ये बात मिली किससे कहती है? रेनबो से कहती है। और इतना प्यारा सॉन्ग गाकर वो उसको इम्प्रेस करती है। देन क्या होता है, द रेनबो पेंटेड हर विंग्स। इस बात से, इस सॉन्ग से इम्प्रेस होकर रेनबो क्या करता है, उसके विंग्स को पेंटेड मतलब फिल कर देता है, कलर कर देता है। मिली थैंक टू द रेनबो। और उसके बाद मिली रेनबो को थैंक करती है। शी लुक्ड एट हर विंग्स एंड सैड। फिर वो अपने पंखों को देखती है और कहती है All the 7 colors of the rainbow in my wings. फिर वो कहती है कि जो रेनबो में 7 कलर्स होते हैं ना, वो 7 कलर्स मेरे विंग्स में हैं, कि मेरे विंग्स भी अब कलरफुल हो गए हैं। I am मिली द रेनबो बटरफ्लाई। और मैं कौन हूँ? मैं मिली हूँ द रेनबो बटरफ्लाई। और रेनबो बटरफ्लाई क्यों बनी वो? क्योंकि उसके जो विंग्स थे वो पूरी तरह से कलरफुल थे, उसमें सारे कलर्स थे जो रेनबो में होते हैं, इसलिए उसका नेम हुआ रेनबो बटरफ्लाई। जो पिली थी उसके विंग्स थे येलो, तो वो बन गई येलो बटरफ्लाई। और जो टिली थी उसके विंग्स थे रेड, वो बनी क्या? वो बनी रेड बटरफ्लाई। बट मिली के विंग्स कैसे थे? वाइट थे, इस बात से वो सैड हो गई थी। एंड एट लास्ट रेनबो ने उसे कलर किया, अपने कलर्स दिए और उसको एकदम रेनबो बटरफ्लाई बना दिया और बहुत ही ब्यूटीफुल बना दिया। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी चैप्टर 3 द रेनबो बटरफ्लाई इट्स कम्प्लीट हियर। आज यहाँ कम्प्लीट हुआ और उसके बाद एक्टिविटीज़ हम देखते हैं आगे। नाउ लेट्स कम टू द बुक एक्टिविटीज़ ऑफ चैप्टर 3। ओके,
अब चैप्टर 3 की बुक एक्टिविटीज़ देखते हैं हम। फर्स्ट है हमारे ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में स्टूडेंट्स देखिए लिखा हुआ है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। हमें क्या करना है, जो ट्रू है लाइन उसके लिए टी लिखना है और जो फॉल्स है उसके लिए एफ लिखना है। सो आर फर्स्ट सेंटेंस इज पिली टिली एंड मिली लिव्ड इन फ्लावर। नो, इन आर स्टोरी, हमारी स्टोरी में वो तीनों कहाँ रहती थी, दे लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो ये क्या हुआ, फॉल्स। देखो ऑलरेडी यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है पिली लाइक लेमन्स। पिली को क्या पसंद थे, लेमन्स पसंद थे। हाँ ये सच है, बिकॉज पिली सैड आई लाइक लेमन्स, उसी ने कही थी ये बात, तो ये बात सच है। तो यहाँ आएगा टी। नेक्स्ट टिली बिकम अ रेड बटरफ्लाई। टिली रेड एप्पल ट्री पे सोई थी और वो क्या बनी, एक रेड बटरफ्लाई बन गई, दैट्स ऑल्सो ट्रू। ओके नेक्स्ट इज मिली वॉन्टेड वाइट विंग्स। नो इट्स फॉल्स, उसको वाइट विंग्स नहीं चाहिए, शी ऑल्सो वॉन्टेड कलरफुल विंग्स। मिली वॉन्टेड वाइट विंग्स इज रॉन्ग। लास्ट इज मिली बिकम अ रैम्बो बटरफ्लाई, दैट्स ट्रू। लास्ट में वो क्या बनी, एक रैम्बो बटरफ्लाई बन गई स्टूडेंट्स। सो आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्टिविटी है आंसर दिस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपको नेक्स्ट पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, उनको आपको नोटबुक में करना है। ये वर्क आपका नोटबुक वर्क है। ओके इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। पिली मिली एंड टिली वर, हमें सेंटेंस के चैप्टर की हेल्प लेकर इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो पिली टिली मिली वर क्या थी, वो तीनों कैटरपिलर्स थी। तो यहाँ पे हम कैटरपिलर्स लिखेंगे स्टूडेंट, जिसकी स्पेलिंग होगी सी ए टी ई आर पी आई डबल एल ए आर एस, कैटरपिलर्स। ओके नेक्स्ट है व्हाट वर पिली टिली एंड मिली लुकिंग फॉर, वो तीनों क्या ढूंढ रही थी। सॉरी क्वेश्चन आंसर्स पे आ गए हम। नेक्स्ट लाइन है हमारा वन डे दे एट अ लॉट्स ऑफ, उन्होंने एक दिन बहुत सारे क्या खाए थे, लीव्स। तो यहाँ पे आएगा लीव्स इज एल ई ए वी ई एस। नेक्स्ट है पिली स्टॉप टू स्लीप ऑन, पिली कहाँ रुकी थी सोने के लिए, ऑन अ लेमन ट्री। तो यहाँ पे आएगा एल ई एम ओ एन लेमन टी आर डबल ई ट्री। नेक्स्ट टिली स्लिप्ड ऑन अ एप्पल ट्री एंड बिकम अ रेड बटरफ्लाई, तो आर ई डी रेड पी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई फ्लाई बटरफ्लाई। ओके तो यहाँ पे ये आएगा। लास्ट है मिली स्लेप्ड ऑन अ कोकोनट ट्री, मिली कहाँ सोई थी, कोकोनट ट्री पे सोई थी ना, उसकी स्पेलिंग होगी कोकोनट की सी ओ सी ओ एन यू टी कोकोनट टी आर डबल ई ट्री। ओके स्टूडेंट्स उसके बाद टर्न योर पेज। नेक्स्ट इज लुक एट दिस वोकैबुलरी पोर्शन। इसमें क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे रीड दिस क्लूज एंड नेम द बॉक्सेस, नेम द कलर्स, यूज वर्ड फ्रॉम द बॉक्सेस। हमें क्या करना है, इस बॉक्स की हेल्प लेकर इन को क्लू लेना है और इन सेंटेंसेस को मतलब कलर फाइंड करना है, समझे। इट्स मीन कि हमारे पास ये जो राइमिंग वर्ड्स और ये कुछ सेंटेंसेस है ना, इन सेंटेंसेस में कुछ वर्ड है जो हाईलाइट कर रखे हैं, उन हाईलाइट वर्ड से रिलेट करता हुआ एज राइमिंग या फिर कोई उससे कुछ हिंट मिल रहा है, हमें क्लू मिल रहा है, तो हमें क्या करना है उस वर्ड को कलर को सामने लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है आई राइम विद द वर्ड बैड, कि मेरा जो राइमिंग वर्ड है ना, जैसे बैड कह रहा है कि मेरा जो राइमिंग वर्ड क्या है, बैड। अब बैड से कौन सा वर्ड बन रहा है, यहाँ पर रेड, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेड। ओके आई एम अ कलर एंड आई एम ऑल्सो अ फ्रूट, कि मैं कलर भी हूँ और मैं फ्रूट भी हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पर ऑरेंज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑरेंज। ओके आई राइम्स विद द वर्ड ग्लू, अब ग्लू से कौन से वर्ड की राइमिंग बन रही है यहाँ पे, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स ब्लू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लू। ओके
आई एम द कलर ऑफ ग्रास. ग्रास का कलर कैसा होता है स्टूडेंट्स? ग्रीन. तो यहाँ पे आएगा ग्रीन. नेक्स्ट इज आई एम द कलर ऑफ सनफ्लावर. सनफ्लावर स्टूडेंट्स आपने फ्लावर देखा है, सनफ्लावर वो कैसा होता है? येलो कलर का. तो यहाँ पे आएगा येलो. लास्ट वन इज आई राइम विद द वर्ड थिंक. अब थिंक से कौन सी वर्ड की राइमिंग बन रही है यहाँ पे? पिंक. तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स पिंक. ओके स्टूडेंट्स, एंड आर लास्ट सॉरी दिस नेक्स्ट एक्टिविटी इज एड ई डी टू दीज वर्ड टू मेक न्यू वर्ड्स. हमें क्या करना है, ये जो वर्ड्स हैं इनके आगे ई डी एड करके न्यू वर्ड्स बनाने हैं. जैसे कि हेल्प के आगे ई डी एड हुआ तो ये हो गया हेल्प्ड. नेक्स्ट हमें क्या करना है, वॉन्ट. वॉन्ट के आगे क्या ऐड होगा? ई डी. तो क्या हो जाएगा? वॉन्टेड. स्पेलिंग एज इट इज रहेगी, उसके आगे सिर्फ हमें ई डी एड करना है. पुल पुल्ड, पैंट पैंटेड, क्रैव क्रैव्ड, जम्प जम्प्ड, कुक कुक्ड, लाफ लाफ्ड, काउंट काउंट काउंटेड, प्ले प्लेड, पेल पेल्ड, आस्क आस्क्ड. इस तरह से ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 20, राइटिंग पोर्शन. इमेजिन यू आर मिली. मिली कौन थी? जिसके विंग्स कैसे थे? वाइट. Write 5 sentence on how you got colorful wings. Take help from the box. हमें क्या करना है, इन बॉक्स की हेल्प लेकर विंग्स ये सेंटेंसेस हमें बनाने हैं. ओके, अपने आप को मिली इमेजिन करके, द बटरफ्लाई जिसकी कलरफुल विंग्स नहीं थे. ओके, तो वो स्टार्ट करती है. आई स्लिप्ड ऑन अ कोकोनट ट्री. देखो एक उसने कंप्लीट करके दिया है हमें फॉर अ हिंट. नेक्स्ट इज आई बिकम अ वाइट बटरफ्लाई. फर्स्ट इज ऑलरेडी डन. आई स्लीप्ड ऑन कोकोनट ट्री. तो यहाँ पे कोकोनट वर्ड को यूज में लिया और इसको कंप्लीट किया सेंटेंस को. लास्ट 4 सेंटेंस हमें कंप्लीट करने हैं. ओके, इमेजिन करना है खुद को एज मिली. मिली को थॉट करते हुए हमें इमेजिन करना है. नेक्स्ट है आई बिकम अ, यहाँ पे हम लिखेंगे वाइट बटरफ्लाई. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा. इस हेल्प ले ली हमने और उससे ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा वर्ड भी ऐड करने पड़ेंगे, सेंटेंस को कंप्लीट करने पड़ेंगे. बिकॉज आई बिकम अ वाइट, वाइट वॉट. सो हम यहाँ लिखेंगे आई बिकम अ वाइट बटरफ्लाई. नेक्स्ट, देन आई सा अ रैम्बो. यहाँ पे हम लिखेंगे अ रैम्बो. देन आई सा अ रैम्बो. चैप्टर में भी यही था ना, अ रैम्बो ही था. तो ओके, नेक्स्ट है आई आस्क इट टू पेंट. हमने पेंट यूज में ले लिया, वाइट यूज में ले लिया, रैम्बो यूज में ले लिया. लास्ट वन इज आई बिकम अ, अब हमारे पास बचा क्या? विंग्स. अब विंग्स से हमें सेंटेंस बनाना है. आई बिकम अ रैम्बो बटरफ्लाई विद कलरफुल विंग्स. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये एक्टिविटीज समझा दी है. अब नेक्स्ट क्या होगा, इन एक्टिविटीज़ का पीडीएफ नेक्स्ट क्लास में आपको सेंड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एक्टिविटीज़ फिल करने में. बट आपको समझने के लिए ही मैंने यहाँ पे इसको और अच्छे से समझाया है. और जो लास्ट फन टू डू वाला पोर्शन है, इसमें आपको बहुत इन्जॉय फील होगा. इट्स वेरी इंजॉइंग फॉर यू. आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इन डॉट्स को आपस में क्या करना है, जॉइंट करना है और एक बटरफ्लाई की पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी. पेंसिल से बहुत अच्छे से आपको इसको कंप्लीट करना है. ओके, देखिए थोड़ा सा मिस हो रहा है बिकॉज मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ, पेंसिल से नहीं कर रही हूँ, शीट पे नहीं कर रही हूँ. ओके स्टूडेंट्स, सो योर चैप्टर 3 इज़ कम्प्लीटली ओवर टूडे. आज पूरा कम्प्लीट हो गया है. एक्टिविटीज़, क्वेश्चन आंसर्स के पीडीएफ मैं आपको नेक्स्ट सेंड कर दूँगी और वर्ड्स टू नो ये सब कम्प्लीट हो गया है. ओके, सो इन आर नेक्स्ट क्लास नाउ वी विल स्टार्ट आर नेक्स्ट चैप्टर. बट बिफोर दैट आई विल सेंड यू पीडीएफ्स फॉर फिलिंग द एक्टिविटीज़. ओके, उससे पहले मैं आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं करूँगी, सो डोंट वरी अबाउट इट. आपको उससे पहले बुक एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है. गेट रिमेंबर, पीडीएफ का जो वर्क है वो आपको बुक में फिल करना है, फिलिंग वर्क जो है पेंसिल्स है, और क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में ही करने हैं. ओके क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.